शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह की जयंती के मौके पर दिल्ली रोड पर पाकवाड़ा जीरो पॉइंट पर युवाओं की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में मौजूद रहे युवाओं द्वारा इंकलाब जिंदाबाद, सरदार भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए गए। आपको बताते चलें कि 28 सितंबर को सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ था। सरदार भगत सिंह हमारे देश के वह क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम करके रख दिया था। सरदार भगत सिंह के नाम से अंग्रेज हुकूमत हिलने लगी थी। वहीं बुधवार को सरदार भगत सिंह को याद करते हुए युवाओं ने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्हीं के बताए मार्ग पर चलकर आज युवा देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का मादा रखते हैं। सरदार भगत सिंह की कुर्बानी हमेशा याद रहेगी और सरदार भगत सिंह हमारे आदर्श बने रहेंगे। सरदार भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज हुकूमत की नाक में दम कर दिया था और अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ने को मजबूर हो गए थे। शहीद भगत सिंह के जन्म उपलक्ष्य में हमने रैली का आयोजन किया है, जो हम जीरो पॉइंट से होकर आईएफ किया क्लोज करके नए मुलाकात। क्या संदेश देना चाहेंगे आज? मैं ये संदेश देना चाहूँगा जो शहीद भगत सिंह को भूल गए हैं, वो शहीद भगत सिंह के आने वाले अगले जन्म उपलक्ष्य में ज्यादा से ज्यादा रैलियों का आयोजन करें। और मैं एक मांग करना चाहूँगा यहाँ के डीसी से कि यहाँ पर एमडीए में बहुत स्लो सिस्टम है, जहाँ पे एक जगह शहीद भगत सिंह की मूर्ति की स्थापना हो और उसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाए। इसी क्रम में शहीद भगत सिंह को याद करते हुए पाकवाड़ा और उसके आसपास के इलाके के युवाओं द्वारा पाकवाड़ा जीरो पॉइंट से एक रैली का आयोजन किया गया। सरदार भगत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए और इंकलाब जिंदाबाद के नारे बुलंद किए गए। हजारों की संख्या में मौजूद रहे युवाओं द्वारा रैली के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया कि सरदार भगत सिंह की कुर्बानी को जाया नहीं होने दिया जाएगा। देश को अखंड करने के लिए और देश को मजबूत करने के लिए युवा देश की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। युवाओं द्वारा इस दौरान दिल्ली रोड जीरो पॉइंट पर सरदार भगत सिंह की प्रतिमा को स्थापित करने की मांग की गई। सरदार भगत सिंह के जन्मदिन है आज, उसके उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहते हैं आज? संदेश ये देना चाहते हैं कि जो लोग शहीद भगत सिंह को भूल गए हैं, उनके मन में शहीद भगत सिंह के प्रति जगाना, सबको बताना कि सरदार भगत सिंह क्या है, लोगों को उनके बारे में जागरूक करने का उद्देश्य। कहाँ से शुरू हुई है यात्रा और कहाँ तक जाएगी? ये जीरो पॉइंट से शुरू करके आईएफपीएम होते हुए लोधीपुर राजपुर पुल के अंडर पास से निकलते हैं, फिर यहाँ पे जीरो पॉइंट से एमडीओपी से थोड़ी सी अंदर जाएगा, वहाँ समापन। भगत सिंह की जयंती के मौके पर क्या कहना चाहते हो युवाओं से आप? बस यही कहना चाहते हैं, हम युवा अगर कहीं लग गया तो अच्छी अच्छी ताकत को चुका देगा। साथ ही मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे देशभक्ति गीत के साथ रैली का शुभारंभ किया गया और भारत माता की जय के नारे बुलंद किए गए। गौरतलब है कि रैली पाकवाड़ा जीरो पॉइंट से प्रारंभ होकर पाकवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग से होती हुई पाकवाड़ा की आबादी वाले क्षेत्र होते हुए वापस जीरो पॉइंट पर सम्पन्न हुई।